नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं रिमोट के बारे में। आपके घर में जो रिमोट होते हैं वो काम कैसे करते हैं, और जो टीवी में सेंसर होते हैं या डीवीडी में सेंसर होते हैं रिमोट का, वो सेंसर कैसे कैच करते हैं, रिमोट का जो आईआर का जो रे होते हैं वो कैच करके कैसे काम करते हैं, वो सभी चीज़ आपको बताएंगे। और रिमोट में इतने सारे की है, सभी की एक ही लाइट के अंदर कैसे काम करते हैं, सब कुछ आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं योगांती और रोबोटिक्स पर में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम है रिमोट से कैसे आईआर सेंसर सेंस करके टीवी डीवीडी वगैरह चलता है। आईआर सेंसर बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं रिमोट कैसे काम करते हैं। ठीक है, रिमोट में दोस्तों बहुत सारे की होते हैं, लेकिन इतने सारे की होने के बाद भी एक ही आईआर एलईडी से कैसे काम करते हैं, बहुत सारे की एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, तो आपको ये हम आज बताएंगे कि कैसे एक ही एलईडी से इतने सारे की काम करते हैं, यानी कि एक दबाने से चैनल एक आएगा, दो दबाने से चैनल दो आएगा, वॉल्यूम बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए रिमोट के अंदर चलते हैं। तो ये रहा रिमोट के अंदर, इसमें दोस्तों एक एलईडी होता है और एक प्रोसेसर, एक कैपेसिटर होते हैं, और सभी की का जो पैर है वो प्रोसेसर के माध्यम से फिक्स्ड है, लगा हुआ है। ठीक है, तो जब की दबाएंगे तो प्रोसेसर में सिग्नल जाएगा, एक नंबर की दबाने से प्रोसेसर सेंस करेगा कि कौन सा की दबाया है, एक नंबर दबाने से इसमें से एक जनरेट कोड निकलेगा, निकलने के बाद एलईडी में जाएगा, एलईडी उतनी बार ब्लिंक करेगा, यानी कि समझ लीजिए दो बार ब्लिंक किया, तीन बार बंद, एक बार ऑन, एक बार बंद, ऐसे कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि एक नंबर दबाया है, वो सेंसर सेंस कर लेगा, टीवी का सेंसर। ठीक है, कितने बार एलईडी ग्लो हुआ है, कितने बार एलईडी बंद हुआ है, तो उतना टाइम पे अगर बंद होगा, उतना टाइम पे अगर ऑन होगा तो एक नंबर चैनल दबाया है, सेंस कर लेगा टीवी का रिमोट का जो सेंसर है। आप अगर मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन करके अगर रिमोट के आईआर के ऊपर रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कैमरे के अंदर से एलईडी ग्लो कर रहा है, लेकिन एक तरफ से ग्लो नहीं करेगा, वो अप एंड डाउन करेगा, यानी कि ब्लिंक करेगा, बहुत हमने इतनी बार ब्लिंक करेगा, ऑन ऑफ ऐसे करेगा, तो आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा अगर मोबाइल का कैमरा ऑन करके रिमोट के सामने लाएंगे तो। मतलब जितने बार ऑन होगा उतने बार ऑफ होगा, कितने बार ऑन होगा कितने बार ऑफ होगा, ये सिर्फ प्रोसेसर को पता है और टीवी का जो मेन प्रोसेसर है उसको पता है कितने बार ऑन होगा कितने बार ऑफ होगा। ठीक है, तो ऑन ऑफ कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, ये रहा एक बारकोड। ये बारकोड बहुत सारे लाइन के ऊपर काम करता है, यानी कि देखिए इसमें बहुत सारी लाइन है, कुछ लाइनें मोटा है, कुछ लाइनें चिकना है, ऐसे चलता है, लेकिन ये देखिए ऑन, ब्लैक को ऑन करिए और वाइट को ऑफ। ठीक है, ऑन ज़्यादा हुआ है थोड़ा, और ऑफ उससे भी ज़्यादा हुआ है, उसके बाद ऑन थोड़ा कम हुआ है, उसके बाद ऑफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है, उसके बाद ऑन भी पहले से थोड़ा ज़्यादा है, अभी देखिए ऑफ पहले से थोड़ा कम है, उसके बाद फिर से ऑन ज़्यादा है, दिख रहा है ना आपको, और फिर से ऑफ थोड़ा कम है, उसके बाद थोड़ा ऑन है थोड़ा ऑफ है, ऐसे होने से क्या होता है, एक बार ऑन एक बार ऑफ होने से एक होगा, ज़्यादा ऑफ होके दो होगा, अगर ज़्यादा ऑन होके ज़्यादा ऑफ होगा तो तीन होगा, ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये बारकोड ऐसे ही काम करेगा, ठीक प्रोसेसर भी ऐसे ही काम करेगा, कितने बार ऑन होगा कितने बार ऑफ होगा ये प्रोसेसर को पता है, तो इतने बार ऑन होने से एक नंबर दबाया है, यानी कि इतने बार ऑन होगा इतने बार ऑफ होगा, तो उस टीवी का सेंसर को भी पता है इतने बार ऑन होने से इतने बार ऑफ होने से हमको एक दबाया है, एक में आना है। अभी देखिए सेंसर, टीवी का जो सेंसर है
आईआर सेंसर वो देखिए, दो प्रकार के होते हैं ये इसमें। तो पहला जो है बड़ा है और दूसरा थोड़ा छोटा है, ठीक है। इसका जो सभी चीज़ एक ही है, सेंसर एक सेंसर होते हैं इसमें, और पैर भी तीन पैर होते हैं दोनों में, लेकिन पैर का अलग अलग इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। ये देखिए बड़ा वाला में पहला ग्राउंड है, अगर एलईडी आईआर को सामने रखेंगे तो पहले वाला ग्राउंड और दूसरे वाला वोल्टेज होगा, और जो तीसरे वाला है थोड़ा दूर रहेगा, तीन नंबर जो है वो दूर रहेगा, वो आउटपुट है। ये आसानी से पता चल जाता है, ठीक है, बड़े वाले आईआर में। और छोटे वाले में देखिए, पहले वाला आउटपुट है और बीच का जो है वो ग्राउंड है, और लास्ट का जो है वो दोस्तों वोल्टेज है। दो सेंसर जो है दोस्तों वो अलग है, साइज में छोटा है लेकिन काम एक ही करता है, ठीक है। उसका जो आउटपुट होता है वो दोस्तों माइनस में होगा, यानी कि नेगेटिव आउटपुट देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये नेगेटिव आउटपुट देता है, और आपको अगर काम करना है इसके ऊपर तो आपको पीएनपी वाला ट्रांजिस्टर ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक सर्किट बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक सर्किट हमने बनाया है, ये रहा आयर सेंसर, और इसमें हमने वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट का, ठीक है। तो ये वोल्टेज आके आयर में इनपुट हुआ है, और देखिए यहाँ से इनपुट होके ट्रांजिस्टर में भी गया है, लेकिन बेस में अगर कोई पावर नहीं देंगे, हल्का वोल्टेज नहीं देंगे, तो ये कलेक्टर से इमिटर तक नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बेस में अगर वोल्टेज होगा तो ही कलेक्टर से इमिटर तक वोल्टेज पास करेगा, ठीक है। तो अभी चलिए इसमें आते हैं, और इसको ग्राउंड कर दिया, पहले वाले को ग्राउंड है ना, इसलिए ग्राउंड कर दिया हमने। तो इसमें से आउटपुट निकल के बेस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस में। तो आउटपुट तो बहुत ही कम वोल्टेज है, इसलिए बेस में कनेक्ट कर दिया, और इसमें से ज़्यादा वोल्टेज आके एक मोटर में फिट कर दिया, ठीक है। तो प्लस आया है और ग्राउंड, इसमें से जाके हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। देखिए इसमें से प्लस आया है, प्लस आके ऊपर में जाके यहाँ से होके यहाँ से आके प्लस प्लस हुआ है ना, तो ये प्लस हुआ है। और ये जो आयर एलईडी है उसको 220 वोल्ट ओम से हमने कनेक्ट किया है। ये आयर एलईडी जो है दोस्तों, ये आपको खाली आंखों से दिखाई नहीं देगा, आप कैमरा ऑन करेंगे तो दिखाई देगा, इसमें नहीं, ओरिजिनली जो रिमोट में होते हैं, ठीक है। और इस स्विच को दबाने से ये मोटर घूमेगा, क्योंकि जब दबाएंगे आयर एलईडी ऑन ऑफ होगा, होने से आयर जो सेंसर है वो सेंस करेगा। करने से क्या होगा, इसमें से आउटपुट देगा माइनस नेगेटिव, और नेगेटिव इसमें से जाएगा तो इसका स्विच ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जो कलेक्टर है उसमें से जाके एमिटर में जाएगा, जाके मोटर घुमाएगा। तो चलिए इसको दबा के देखते हैं, मोटर घुमाएगा। अभी देखिए, ये देखिए हमने दबा दिया, मोटर घूमेगा अभी। ये देखिए घूम रहा है मोटर, बहुत ही घटिया हमने बनाया है, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने इसको बनाया है। दोस्तों अगर आपको इस सर्किट को प्रैक्टिकली देखना है, तो आप ऊपर में देखिए, एक कोने में आई बटन है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमने एक पेपर का प्लेन बनाया है जो इस रिमोट के सेंसर से उड़ता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखिए एक बार, आपको अच्छा लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शायद ये सर्किट, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।